सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन यानी घंटी को और पाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ जागरण में। मेरा नाम है शालिनी और अभी आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन ज्ञान। जब बच्चे का जन्म होता है तब वह संपूर्ण रूप से पोषण के लिए अपनी माँ के दूध पर निर्भर करता है और फिर आजीवन गाय भैंस आदि का दूध पीकर खुद को स्वस्थ रखता है। दूध पोषक तत्वों का एक अद्वितीय संतुलन प्रदान करता है। तो आइए जानते हैं दूध के मुख्य फायदों के बारे में। नंबर एक, मांसपेशियों के विकास के लिए। दूध में निहित कैल्शियम भी मांसपेशियों व रक्त के स्वास्थ्य में अपना योगदान देता है। तो रोजाना कसरत या व्यायाम करने के बाद एक गिलास दूध अवश्य पिए। इससे आपका शरीर व्यायाम के बाद होने वाली थकावट को दूर करता है। नंबर दो, दांतों को मजबूत बनाएं। दांतों के स्वास्थ्य एवं मजबूती के लिए दूध सर्वोत्तम आहार विकल्पों में से एक है। दूध दांतों के स्वास्थ्य के लिए उच्च मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस और आयोडीन की आपूर्ति करता है, जिससे दांत मजबूत बनते हैं। नंबर तीन, अच्छी नींद के लिए। सोने से पहले एक गिलास दूध को पीने से आपको अच्छी नींद में मदद मिलती है। दूध में एमिनो एसिड ट्रिप्टोफेन होता है जो नींद को उत्तेजित करने में सहायक है। नंबर चार, त्वचा के लिए। दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड एक प्राकृतिक एक्सफोलिएटिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है जो त्वचा के मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है और मुहासे जैसी समस्याओं को खत्म कर देता है। नंबर पाँच, आपके शरीर को हाइड्रेट रखे। कसरत करने के बाद दूध पीने से शरीर जल्दी से हाइड्रेट हो जाता है और यह व्यायाम के दौरान समाप्त होने वाले इलेक्ट्रोलाइट की फिर से आपूर्ति भी कर देता है। नंबर छः, स्मरण शक्ति बढ़ाए। शोधों द्वारा इस बात को साबित किया गया है कि कम फैट वाला दूध मस्तिष्क शक्ति को बढ़ाने में और अल्जाइमर रोग को रोकने में मदद करता है। नंबर सात, वजन घटाने में। यह कैल्शियम और विटामिन डी का उत्कृष्ट स्रोत है जो शरीर पर चर्बी को जलाने वाले प्रभाव डालते हैं। दूध में प्रोटीन और उच्च पानी की मात्रा आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखती है। नंबर आठ, बालों के लिए। दूध में बालों के तीव्र विकास के लिए आवश्यक सभी प्रोटीन, कैल्शियम और खनिज निहित होते हैं। बालों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और क्षतिग्रस्त बालों की मदद करने के लिए दूध उत्कृष्ट कंडीशनर के रूप में कार्य करता है। नंबर नौ, एसिडिटी में। यह रेटिनॉइड और विभिन्न प्रकार के रेटिनॉइड एसिड के उत्पादन में सहायक है जो पाचन तंत्र में हो रही जलन व सूजन को नियंत्रित करने में सक्षम है। नंबर दस, कैंसर के खतरे को कम करें। कई अध्ययनों से पता चलता है कि दूध पुरुषों और महिलाओं दोनों में कैंसर का खतरा कम करता है। दूध में कैल्शियम, विटामिन डी और कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड की उच्च मात्रा होती है। दूध के सेवन से कोलोरेक्टल कैंसर, स्तन और पेट के कैंसर का खतरा भी कम होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल हेल्थ जागरण को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।